जावेद चौधरी पीटीआई की सेंसरशिप के खिलाफ मैदान में आ गए। हुकूमत वक्त के सामने कई सवाल रख दिए, आने वाले दिनों में क्या होगा बड़ी पेशगोई भी कर दी। सहाफी और एंकर पर्सन जावेद चौधरी ने हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि अपोजिशन की सेंसरशिप अच्छा ट्रेंड नहीं है। उन्होंने माजी की बात करते हुए कहा कि एमक्यूएम, नून लीग और पीपल्स पार्टी इसी अमल से गुजर चुकी है। आज से चंद साल पहले इन सब पर पाबंदियां थीं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, इसहाक डार और एमक्यूएम के लोगों के चेहरे दिखाने पर भी पाबंदी आयद की गई थी। जब आप खुद इसका शिकार रहे हैं तो अब आपके दौर में पाबंदियां होंगी तो फिर आपको डेमोक्रेट नहीं कहा जा सकता। आप एक दूसरी पार्टी पर जुल्म कर रहे हैं। आज आप ऐसा कर रहे हैं तो कल फिर आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। जावेद चौधरी ने कहा कि कौमी असेंबली के फ्लोर पर तकरीरें की तो उन्हें पीटीवी ने सेंसर कर दिया। सब अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस हुकूमत की मॉरल अथॉरिटी क्या होगी। जावेद चौधरी ने कहा कि अगर आप अपोजिशन को बात करने का भी मौका नहीं दे रहे तो फिर आप इसे जमहूरियत कैसे कह सकते हैं। जितनी सेंसरशिप अब हो रही है इतनी सेंसरशिप तो निगरान हुकूमत के दौर में भी नहीं थी। ऐसा महसूस होता है कि जो सूरत हाल चल रही है आने वाले दिनों में टेलीविजन और टॉक शोज में से भी तहरीक इंसाफ के लोगों को गायब कर दिया जाएगा। जुड़े रहें SNN न्यूज़ के साथ।